नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फिर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. क्वेश्चन में गिवन है इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन स्पेस इज गिवन एज माइनस के बाय आर स्क्वायर टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट टू बी आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर विथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी इक्वल टू 10 जूल पर केजी. Find the gravitational potential at r equal to 3 cm in SI unit given that k is equal to 6 joule centimeter per kg. तो यहाँ पर distance जहाँ जहाँ given है वो centimeter में given है. ये सबसे important point आपको याद रखना है ना. तो अगर हम यहाँ पर gravitational potential difference, जैसे हमारे पास दो point है, एक point number 2 है okay, और एक point number 1 है okay. इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर फाइंड करना है, मतलब V2 माइनस V1 फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी I इंटू dr, और ये दोनों वेक्टर होते हैं ओके. पर यहाँ पर r का डायरेक्शन और dr का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम I डॉट डी आर वेक्टर को आई इंटू डी आर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम होता है. तो आई इंटू डी आर, और आई का वैल्यू यहाँ पर गिवन है माइनस के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर ओके. सारी वैल्यू पुट करते हैं. वी टू का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है, माइनस वी वन का पोटेंशियल यहाँ पर गिवन है 10 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन. आर वन का वैल्यू यहाँ पर 2 सेंटीमीटर गिवन है जहाँ का पोटेंशियल हमको पता है, और 3 सेंटीमीटर का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है. यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस के बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा. वी टू माइनस 10 इज इक्वल टू हमको मिलेगा के और 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर हो जाएगा ओके. अगर ये इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आया तो हमारा डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको इंटेंसिटी वाले देखना पड़ेंगे. 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, तो R का वैल्यू हर जगह सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास में आया माइनस के, और K का वैल्यू यहाँ पर 6 जूल पर केजी इंटू सेंटीमीटर में गिवन है. R1 का वैल्यू यहाँ पर माइनस, हमने पहले ही बाहर ले लिया है, 1 बाई 3 सेंटीमीटर माइनस 1 बाई 2 सेंटीमीटर ओके. तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा. वी टू माइनस 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 और इनटू ये एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 1 बाई 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर वी टू का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा 10 प्लस 1, दैट इज़ इक्वल टू 11 जूल पर केजी ओके. तो आंसर हमारा होगा 11 जूल पर केजी. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है और अच्छे से तो आपको हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल से रिलेटेड जो हमने न्यूमेरिकल बनाया, जो वीडियोस बनाए हैं, वो ध्यान से देखना पड़ेंगे. थैंक यू.